अल्लाह के सिवा किसी और की इताअत जिससे अल्लाह की मासियत लाजिम आती हो शिर्क। ला ताअत अल मखलूक इन फी मासियत अल खालिक, मखलूक में से किसी की इताअत नहीं होगी ये उस मामले में जिसमें खालिक की मासियत लाजिम आ रही। हाँ, खालिक के अहकाम के अंदर अंदर वालदैन का हुक्म भी मानो, इताअत करो, असातजा का हुक्म मानो, किसी और को अपना लीडर माना है उसका हुक्म मानो, लेकिन नॉट बियॉन्ड, वो जो सर्कल है किताब व सुन्नत का उससे बाहर नहीं। ला ताअत अल मखलूक इन फी मासियत अल खालिक, ये आप अलजबरे के फार्मूले के तौर पर अपने सामने रखिए। अब इसे अप्लाई कीजिए जैसे फार्मूलों के जरिए से फिर बड़े बड़े वो सम जो है वो हल किए जाते थे सवालात। सुबह का वक्त है, आंख भी खुली है, अज़ान की आवाज भी कान में आई है, आपका नफ्स कहता है अभी सो जी। आपने अपनी चादर या कंबल को दुरुस्त किया और करवट ली और सो गए। ये क्या है, आपने किसका हुक्म पीछे फेंका और किसका हुक्म माना? अल्लाह के हुक्म को पीछे फेंक दिया, नफ्स के हुक्म को आगे रख, ये शिर्क। इस शिर्क को जानने वाले बहुत कम हैं। मौलाना रूम ने खूब कहा था, नफ्स मां हम कम तरस फिरौन नीस्त, लेकिन उराओन हीराओन नीस्त। मेरा नफ्स भी फिरौन से कम नहीं है। फिरौन ने कहा था ना, अलै सली मुल्क मिस्र वहाजहिल अनहार तजरीम इंतहती, क्या इस मुल्क के मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं है और सारा जो ये आप पाशी का निज़ाम है, अनहार का निज़ाम है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है? जिसका चाहूं मोगा खुला रखूं, जिसका चाहूं बंद कर दूं। ये था खुदाई का दावा, अना रब्बुकुम अला। तो मौलाना रूम कहते हैं मेरा नफ्स भी उससे कमतर नहीं है। वो कहता ये जिस्म मेरा है, इस पर मेरा हुक्म चलेगा, मैं नहीं जानता कौन अल्लाह कौन रसूल, क्या हराम क्या हलाल। तो फिरौन से कम तो नहीं है मेरा नफ्स, लेकिन उराओन उसकी बहुत मदद थी, फौज थी, लाओ लश्कर था, तो उसने जबान से भी कह दिया खुलकर, आला रब्बुकुम अला, मैं मिस्कीन हूं, गरीब हूं, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं जबान से तो कुछ नहीं कह सकता, अंदर से मेरा नफ्स यही कहता। ये नफ्स की हुकूमत कुरान कहता है, बहरान होता हूं। दो जगह ये मजमून आया है, अरायता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफअन्ता तकूनु अलैहि वकीला। ए नबी, तुमने देखा उस शख्स को, उसके हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया? अल्लाहु अकबर, इलाह, ला इलाह इल्लल्लाह, कलमा तौहीद का मरकजी लफ्ज यहां आ रहा है। मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया, इलाह बना लिया। अफअन्ता तकूनु अलैहि वकीला, क्या आप ऐसे शख्स की कोई जिम्मेदारी ले सकते हैं? सूद हराम हुआ करे जी, हराम वराम, हमारा धंधा जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता, तो अल्लाह के हुक्म को पीछे डाला, नफ्स के तकाजे को आगे रखा। कौन माबूद है आपका? नाम अब्दुल्ला रखिए, नाम अब्दुल रहमान रखिए, है अब्दुल नफ्स, नफ्स के बंदे, नफ्स के गुलाम। ये मैंने यूं समझिए कि जैसे मैंने हिजरत और जिहाद की डेफिनेशंस की थी। हिजरत का बेस क्या है? पूछा गया अय्युल हिजरत अफजल हो या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल बताइए सबसे आला हिजरत कौन सी है अफजल? फरमाया अंता जुरा मा करे हर रब्बुक, हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं। आज रात ही से आप हिजरत शुरू कर सकते हैं। जायजा लीजिए क्या क्या चीजें मेरी जिंदगी में खिलाफ शरीयत है, जो अल्लाह को नापसंद है। फैसला कीजिए कि आज के बाद नहीं होगी, हिजरत शुरू हो गई, अफजलुल हिजरा, सबसे अफजल हिजरत शुरू हो गई। लेकिन टॉप पर ले जाइए तो ये हिजरत जब अल्लाह के दीन को कायम करने की जिद्दोजहद उस मरहले पर आ जाए कि अब बातिल के साथ टकराव है और अब चाहिए कि सारी कुव्वत एक मरकज पर जमा हो जाए, हिजरत फर्ज कर दी गई,
वो हिजरत घर बार छोड़कर, अहलो आयाल को छोड़कर और मक्के के भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़कर अपने घर वालों को, जो लोग हिजरत करके आए, हुक्म था। हिजरत मदीना फर्ज थी, हिजरत हबशा फर्ज नहीं थी, सिर्फ इजाजत थी कि जिनसे सख्तियां नहीं झेली जा रही मजीद वो चले जाए। तो हिजरत का ये इब्तदाई नुक्ता, इंतहा ये जिहाद। अल मुजाहिद मन जाहद नफ्सहु, जिहाद तो यहां से शुरू हो गया, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना। सुबह नफ्स ने कहा अभी सो जाओ, आपने नफ्स की बात को रद्द किया, अपना कंबल उठा के फेंका, उठे, वजू किया, नमाज के लिए आप मस्जिद चल दिए, आपने जिहाद किया नफ्स के खिलाफ, ये अफजलुल जिहाद है। और सबसे चोटी ऊपर ये है कि जब वो हक व बातिल की जंग हो तो जान हथेली पर रखकर मैदान में हाजिर हो जाओ। الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.